दोस्तों, आपने लोगों से कहते हुए तो सुना होगा कि मैं इस काम के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, पर अब भूल गया हूँ। यहाँ तक कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस काम में मुझे काफ़ी अच्छी स्किल है, पर मैं पहले करता था पर अब नहीं करता, तो अब इसीलिए इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। वैसे ही अगर आपके पास कोई क्वालिटी है, अगर आपके पास कोई स्किल है और आप उसको अब रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करते हैं या रोज़ उस पर काम नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी को लेकर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने गिद्धों के बारे में तो सुना होगा, वो झुंड में उड़ते हैं, वो शिकार करते हैं बेसिकली, और वो एक जगह कभी नहीं रहते हैं, वो हमेशा अपनी जगह को बदलते रहते हैं। तो वैसे ही ये झुंड, गिद्धों का झुंड उड़ गए, टापू में चला गया। उस टापू में जब वो गए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो टापू, पहली बार तो कोई नहीं था उस टापू में, दूसरी बार उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा उनको खाना मिल जाता था, जैसे मछली और मेरक उनको वहाँ पे बहुत सारे मिल जाते थे, जिसके लिए उनको बहुत शिकार करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि ये तो अब तो हमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हम आसानी से यहाँ बैठ के अपना ये जो मछली और मेरक पड़े रहते हैं उन्हीं को हम खा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो सारे गिद्ध खुश हो गए और सभी की सहमति से सबने सोचा कि अब हमें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हम इसी टापू में रहेंगे और अब हम ना उड़ेंगे ना ही हम शिकार करेंगे। तो उनमें से एक वृद्ध गिद्ध था जिन्होंने, जो बहुत निराश हो गया, जो उन सब जो जवान गिद्ध थे उनको देखकर, उनके भविष्य को देखकर काफी निराश हुआ। उन्होंने देखा कि इनका भविष्य काफी अंधकार में है और उन्होंने उससे बोला कि हम गिद्ध हैं, हमारी प्रजाति ही इस प्रकार की है कि हमें हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलना होता है और हम उड़कर शिकार करते हैं, बेसिकली अपने नुकीले पंजों को हम यूज करते हैं, तो हमें वो चीज करते रहना चाहिए, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और उस बात को सुनकर सारे गिद्ध हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि ये पूरा तो पागल हो गया है, यहाँ पर जब पड़े रहकर आराम से आपको कुछ नहीं करना है और खाना पीना मिल जाना है सारी चीजें, तो हमें कहीं जाने की जरूरत क्यों है। तो सारे गिद्धों ने उसको बोला कि अगर तुम नहीं रहना चाहते यहाँ पे तो तुम चले जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उस गिद्ध, वैसे भी वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसने सोचा कि नहीं, मैं तो इनके साथ नहीं रह सकता, तो वो वापस जंगल चला गया। कुछ समय जंगल रहने के बाद जब वो बहुत मरने की हालत में था, मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो उसने सोचा कि मरने से पहले क्यों ना मैं अपने वो पुराने गिद्धों, जो अपने पुराने गिद्ध हैं, उन दोस्तों हैं, उनसे जाके मिल लाऊं। जब वो उस टापू पे वापस उड़कर गया तो उसने देखा कि सारे गिद्ध मरे पड़े थे और सबकी लाशें वहां पे पड़ी हुई थी, तो वो देख के बड़ा हैरान हो गया। तब उसने देखा कि एक गिद्ध बड़ी घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, उसने जाके उससे पूछा कि क्या हुआ, जब मैं यहाँ से गया था तुम सब बहुत मौज में थे और सबको खाना पीना मिल रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे एक एक करके सब मर गए। तब उनमें से वो गिद्ध बोला कि एक दिन पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक चीतों का झुंड आया था और जब हमने देखा चीतों का झुंड आया हुआ है, तो हमने सोचा कि उड़कर अब भागा जाए, तो हम पर उड़ना ही भूल गए, क्योंकि हम बहुत अरसे समय से यहाँ पे पड़े रहकर आलस की तरह यहाँ पे सिर्फ खाते थे, और तो हम उड़ने की जो हमारी क्षमता थी वही चली गई, तो हम उड़ नहीं पाए। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनको नुकीले नाखून से, पंजों से उनको मारा जाए, पर वो पहले जैसी शक्ति हमें नहीं रही और चीतों के झुंड ने एक एक करके सारे गिद्धों को मार दिया और मैं अकेला बचा हूँ और बस मैं अभी बस मरने ही वाला हूँ। तो ये सुन के वो वृद्ध गिद्ध काफी दुखी हो गया और वो चीज, और जो आखिरी वाला गिद्ध था उसने बोला था कि हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें ये आरामदायक जिंदगी नहीं जीना चाहिए थी, हमें अपने जो हमारा काम है, वो जो हमारा काम है जैसे उड़ना और उड़कर शिकार करना, जगह जगह और दूसरी जगह बदलते रहना, वही हमें करना था, अगर वो हम करते तो आज हम सब जिंदा रहते। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, यही कि अगर आप में कोई स्किल है और आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो आप ठीक तरीके से ना कर पाए, आप भूल जाए या उसको आप प्रयास ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल रिपेयरिंग की बात करूं, मोबाइल रिपेयरिंग में लोगों को जैसे रिबॉलिंग की बात करते हैं, अगर आईसी रिबॉलिंग अगर आप काम सीख रहे हैं, आप नए स्टूडेंट हैं या आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आपने आईसी रिबॉलिंग का तजुर्बा हासिल किया हुआ है या आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको आईसी रिबॉलिंग आती है और आप महीने दो महीने आप सोचेंगे कि अब तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है और महीने दो महीने का जब आपके पास कोई सेट आएगा उसको आईसी रिबॉलिंग करेंगे, तो हो सकता है कि उस आईसी को आप पूरा मैस कर दें, मतलब खराब कर दें। दोस्तों, आपको लगता है कि अगर आपको आईसी रिबॉलिंग आती है तो उसको हफ्ते दर या दिन प्रतिदिन उसको यूज करते रहिए, उस पर काम करते रहिए, क्योंकि उससे करने से आपकी जो आदत है वो अच्छी बनती जाएगी, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। पर अगर आप वो करना छोड़ देंगे तो आपकी वो स्किल भी खत्म होती जाएगी। तो
कहानी का सारांश यही है कि अगर आपकी कोई स्किल है तो इसको इम्प्रूव करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। जैसे आपके सिस्टम का बहुत किसी ने खूब कहा है कि हमारे मोबाइल में भी जो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी समय समय पर अपग्रेड होता है, क्योंकि अगर पुराना OS चलता है तो हम बोर हो जाते हैं। वैसे ही अपनी लाइफ को भी हमें अपग्रेड करना चाहिए। एक जगह बैठकर आरामदायक जिंदगी तो सभी जी सकते हैं, बट अगर आपने एक मेहनत वाली लाइफ चुनी है तो आपकी सफलता किसी और ही मोड पर आपको ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको सपोर्ट चाहिए और ताकि आगे ऐसे कुछ नए वीडियो लेके आऊँ आपके समक्ष। थैंक यू वेरी मच।